दसम स्कंद के पांचवें अध्याय के 18 श्लोकों के माध्यम से यह महोत्सव गाया। सुखदेव जी कहते हैं, नंद के घर बेटा नहीं हुआ अपितु जाता हलादो, अहलादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके प्रकट हो गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मूर्तिमान आनंद आया है। सबसे पहले शुभ समाचार सुनते ही विप्राण आहुई है। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मण बुलवाए। कौन से ब्राह्मण आए? वेद ज्ञान, सब वेदज्ञ, वेदों के ज्ञाता। कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, जितने वेदज्ञ ब्राह्मण थे सब आए। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा आप जल्दी नहा धो के आ जा। तो नंद बाबा भाग करके गए, जमुना जी में लगाई डुबकी, नहा धो के आए। गए महाराज, नहा लियो। बोले, बाबा नहा तो लियो, ढंग के कपड़े तो पहन के आ जा। ठीक है महाराज। नंद बाबा जैसे ही वस्त्र पहनने के लिए गए, तब तक ग्वालों ने आके घेर लिए। ए बाबा, तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, आज हम तो को अपने हाथ से सजाएंगे, तेरो श्रृंगार करेंगे। नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, या 90 वर्ष के बुढ़ापे में अब तुम कहां सजाओगे मोकू, हम तो ऐसे ही भले। अरे ना है बाबा, बरसन बाद ये खुशी को दिन आयो है, आज हम तो कुछ सजा के ही रहेंगे। ना मानो तो भैया सजाए दो। ग्वालन ने घेर के नंद बाबा को बढ़िया रेशमी धोती पहनाई, बढ़िया चकाचक बगलबंदी पहनाई, सिर पर बाबा के पगड़ी बांधी, आंखन में काजर लगायो, माथे पे थापक थउआ चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, मुंह में पान दबायो, गले में नबमी सी माला लटकाई, कमर में फेंटा बांध दियो और दर्पण लेके खड़े है गले, देखे बाबा कह तो कैसो सजाई दियो। नंद बाबा दर्पण में मोह देखें, कभी मूछन को ऐठे, कभी पगड़ी को संभाले, मुस्कुरा के बोले, छोराओ सांची बताओ कैसो लग रहो। सबरे ग्वाला बोले, बाबा बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो, बिल्कुल दूल्हा जैसो लगे। अब कौन कहेगा कि तू 90 वर्ष को डोकरा है गयो। अब तो नंद बाबा खुशी के मारे महाराज धरती में पैर ना टिकरे। सुखदेव जी कहते हैं, स्नातः सुचि ही अलंकृतः, नहा धो के शुद्ध होके नंद बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया, ग्वालों ने सजा दिया। बन ठन के जब छैल छबीले दूल्हा जैसे बाहर निकले, ब्राह्मण सब खुश है, बाबा अब आ जा। और बैठा करके नंद बाबा को बाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सभी ने मिलकर के ब्राह्मणों ने उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन किया। स्वस्तेन इंद्रो बृहस्रवा, स्वस्तेन पूषा विश्ववेदा, स्वस्तिनस्तार्क्षो अरिष्टनेमी, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन बोलने के बाद कार्यामास विधिवत, विधिवत कर्मकांड, जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करके कहते हैं, बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाए दे। बाबा ने लेके दूध चढ़ाई दियो। अरे बाबा दूध बाद में चढ़ाइयो, पहले जल तो चढ़ाए दे। ठीक है महाराज, जल चढ़ाए दियो। फिर मंत्रोच्चारण करके बोले, अक्षतान समर्पयामी, चावल चढ़ाओ। बाबा ने लेके शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण बोले, ए बाबा तू ज्यादा पंडित बनेगा, अरे तो को अपने ढंग से पूजा पाठ करनी है तो हमें काय को बुलाई लियो। अरे हम जो कह रहे हैं सोकर, अपनी पंडिताई मत दिखा, कहां है तेरो ध्यान।
कछु कह रहे हैं कछु चढ़ावे। नंद बाबा बोले महाराज नाराज मत हो, मेरो मन तो मेरे छोरा में चलो गयो, जब तक अपने छोरा को मोड़ो ना देखूंगो तब तक मेरो कहूं मन ना लग सके। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तो एक काम कर, तू संकल्प कर जा, बाकी कर्म कांड हम ही निपटा लेंगे, तू जाके अपने छोरा को मोह देख। बोले हाँ महाराज, ये आपने बड़ी जोरदार बात करी, तुम तो मोते संकल्प करवा लो। बोले हाथ में जल ले लियो महाराज। तो बोल बाबा आप कहा देगो संकल्प में। नंद बाबा ने तुरंत 200,000 गायों के दान का संकल्प करके ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समनंकृते। और केवल अकेली गाय नहीं दी, तिलात्रीन सप्त रत्नौघ शात कौमा बराव्रता। अन्न के 7 पर्वत बनाए। अन्न पर्वत उसे कहते हैं कि दो व्यक्ति आमने सामने यद पर्वत के खड़े हो जाए तो एक दूसरे को देख न पाए, इतनी ऊंची अन्न की राशि इकट्ठी की जाए, उसे फिर वस्त्र से ढक करके कुछ मुद्रा रख करके जो दान करता है उसको पर्वत दान कहा जाता है। तो नंद बाबा ने 7 पर्वत बनाए अन्न के, तिलात्रीन सप्त, और ब्राह्मणों को अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, गौ दान किया। प्रसन्नता में नंद बाबा का मन बहुत महान हो गया, उदार मना। बार बार सुखदेव जी महामना शब्द प्रयोग कर रहे हैं नंद बाबा को, जाता हिला दो महामना, नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम। महामना माने अत्युदार चित्ता। आज नंद बाबा का चित्त परम उदार हो गया। उदार किसे कहते हैं? उत उत्कृष्टम राति ददाति इति उदार। जो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक देने का मन रखता हो उसको उदार कहते हैं। जितना वो दे रहा है उतना उसकी सामर्थ्य नहीं है, पर असमर्थ होने पर भी मन उसका इतना उदार है कि उसे दिए बिना रहा नहीं जा रहा। तो नंद बाबा परम उदार हो रहे, जो हाथ लगता है लुटा डालते हैं, विचार नहीं करते कि कितनी कीमती चीज है और किसको दे रहे हैं। हाथ में जो आ जाए और सामने जो पड़ जाए। सूतमागत बंदिभ्यो, सूतमागत बंदी जन याचक दरवाजे पर खड़े हैं, और नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधन। वस्त्र अलंकार गोधन, जिसको जैसी जो आवश्यकता है या जो भी कोई मांगता है उसे दुगना करके देते हैं, जो मांगता है उसे दुगना। महालक्ष्मी खजाने में आके विराजमान हैं, जो जो बाबा लुटाते हैं खजाना उतना ही बढ़ता चला जाता है। याचक बिचारे संभाल नहीं पा रहे, इतना माल लेके जा रहे हैं, मोहरों की पोटली भर के जब ले जाते हैं तो अधिकता के कारण कभी कभी पोटली खुल जाती है, रास्ते में सड़क पर तमाम मोहरें बिखर जाती हैं खनखनाती हुई, वे स्वर्ण मुद्राएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे महालक्ष्मी स्वयं अपने प्रियतम के प्राकट्य पर ताता थैया करके गलियों में नाच रही हैं। रमा क्रीडन भूड नृप, लक्ष्मी स्वयं थिरक रही हैं, नाच रही हैं, अद्भुत आनंद उमड़ रहा है ब्रजमंडल में। जो जब जानता है समाचार सुनता है उसी वक्त वो भागता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देव वृंद वेश बदल बदल करके नंद भवन में लाला का दर्शन करने पधार रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय। चारों ओर खुशी का अपूर्व दिव्य वातावरण बना हुआ है। अचानक नंद बाबा को याद आई,
या खुशी में हम तो इतने मस्त है गए कि इनकम टैक्स जमा कर वो भी भूल गए। कहीं समय पर कर न मिलने पर कंस कुमित कुपित न हो जाए, इसलिए तुरंत बोले ब्रजवासियों ये तुम्हारो ही लाला है और घर भी तुम्हारो ही है, प्रेम से खुशी मनाओ नाचो कूदो, पर मुझे एक फुर्सत मिल जाए आप लोग समय दे दो तो मैं जा करके कंस को कर दे आऊं। भाई जिसके घर में उत्सव है वो ही चला जाए तो लोग बुरा मान सकते हैं ना, इसलिए नंद बाबा ने सबको समझाया भैया तुम संभालो तुम्हारो ही घर है, मैं तुरंत अभी कंस को कर दे के मथुरा से वापस आऊं। ग्वाला बोले बाबा घर की चिंता छोड़ हमारो ही घर है हमारो ही लाला है, तू प्रेम से अपनो काम निपटा। बड़ी खुशी की बात है भैया, अरे नाचवे कूदवे में मत लगे रहियो ने कि मेरे लाला को भी ध्यान रखियो। हाँ बाबा चिंता मत कर हमारो ही लाला है। चले गए बाबा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वह। हे कुरुद्वह अर्थात हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुं नंदः मथुरांगतः, कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा मथुरा चले गए, और जैसी बाबा मथुरा के लिए निकले और मथुरा से कन्हैया की मौसी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादेश। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना ने ब्रज में प्रवेश किया तो क्या देखा कि पूरे गली गली में चारों ओर से हल्ला मच रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चारों ओर जय जयकार की गूंज है, पूरा ब्रजमंडल जैसे सुनामी की लहर उठती है, चौरासी कोस से उमड़ घुमड़ के चला आ रहा है, चारों ओर नंद के लाला की जय जयकार की गूंज गूंज सुनाई पड़ती है, और सब गा रहे हैं नाचते हो गए नंद भवन की ओर जा रहे हैं। पूतना को लगा यही मौका बहुत बढ़िया है, जो गोपियां गाती जा रही थी उनमें ये भी गोपी बन के छैल छबीली सुंदरी बन करके घुस गई और उन गोपियों संगे ये भी नाचने लगी गावे लगी। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है ब्रज में है।